हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? हैप्पी दीपावली आप सभी को, मेरे भाइयों को। आज के हम सेशन में बात करेंगे आरपीएससी की तरफ से जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकली है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है और कौन आवेदन कर सकता है। क्या एसटीसी वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बीएड वाले कौन आवेदन कर सकता है, वीडियो में पूरा बात करेंगे दोस्तों। तो ये मैं अपना नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है मैंने ओपन कर रखा है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नंबर ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से और नंबर ऑफ पोस्ट टोटल, टोटल करके सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ देखो, हिंदी में 350 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 325 पोस्ट हैं, संस्कृत में 64 पोस्ट हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में 24 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ऊपर तरफ देखेंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा राजस्थानी, या सब्जेक्ट के हिसाब से आपके इसमें पॉइंट दिए गए हैं आपके दोस्तों। सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे राजस्थान में 7 हैं, पंजाबी में 11 हैं, उर्दू में 26 हैं, हिस्ट्री में 90 हैं। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री में 90 हैं, और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में आपको देखने को मिलेगा 225 हैं, ज्योग्राफी में 210, इकोनॉमी में 35, साइकोलॉजी में 16, होम साइंस में 16, केमिस्ट्री में 36, फिजिक्स में आपका यहाँ पर 147 है, मैथ में 153 है। यानी पोस्ट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से टोटल पोस्ट जो है आपकी सही इसका दी गई है। हॉकी में 1 है, फुटबॉल में 1 है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट के हिसाब से टोटल पोस्टों की डिटेल। आपको इसमें आपको मिल जाएगा जनरल वालों की कितनी है, एससी वालों की कितनी है, एसटी वालों की कितनी है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और टोटल पोस्ट जो है इसमें 2202 पोस्ट रखी है। ये टोटल इसमें टोटल जो पोस्ट है 2202 है, उसमें से आप हिंदी की 350 है, काफ़ी ज़्यादा है ये भी। अभी और भर्ती निकलेंगे, अभी थर्ड ग्रेड की भी भर्ती आएगी, अभी तो फर्स्ट ग्रेड की आई है, अभी तो थर्ड ग्रेड की भर्ती भी आएगी, सेकंड ग्रेड की भी आएगी दोस्तों। ये लक्ष्य रखी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे अगले टॉपिक की तरफ। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता से क्या कौन आवेदन कर सकता है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए उसके लिए। इसके लिए मैं बताऊँ, पत्र अपेक्षित अर्हता के अंतिम वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। इसका मतलब यह है दोस्तों, आपके पीजी होना जरूरी है, पीजी पीजी आपकी, और प्लस इसके साथ में आपका बीएड। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे कि एमए हो गई, एमए हो गई, बीएससी और एमएससी हो गई, वो पोस्ट ग्रेजुएट में। ठीक है, तो आपके यहाँ पे उसके साथ बीएड भी होना जरूरी है आपका, यानी कि जिसने बीए कर रखी है वो प्लस बीएड कर रखी है, वो इसके अवेलेबल नहीं है। एसटीसी वाले भी एलिजिबल नहीं है, ओनली पीजी प्लस बीएड जिन्होंने 4 साल कर रखी हो, जैसे एमए बीएड होती है, एमए बीएड कर रखी है ना, या एमएससी बीएड कर रखी हो, तो वो भी आवेदन दोस्तों कर सकता है इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे तरफ बढ़ेंगे। बेतरमान बेतर प्री मैट्रिक्स लेवल L12, यानी लेवल 12 के तहत आपको मिलेगी। आपकी ग्रेड जो है आपकी ग्रेड पे आपकी रहेगी 4800 रुपये आपकी ग्रेड पे रहेगी। और राजस्थान के नियमन राज्य के सरकार के नियमानुसार परिवर्तित काल में नियत मासिक देय फिक्स पे देगा, यानी 2 साल तक आपको फिक्स पे होगा। ठीक है दोस्तों, आयु सीमा की बात करेंगे। आयु सीमा आपको मैं इसमें आयु सीमा में आपको बताऊं, आयु सीमा की देखेंगे यहाँ पर, तो 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपकी कम से कम 21 साल की होनी चाहिए, या आपकी जो मैक्सिमम है वो 40 साल होनी चाहिए। कम संख्या 4 को छोड़कर शेष सभी पद आयोग द्वारा 2022 में विज्ञप्ति किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना आधार 1 जनवरी 2023 रखा गया है, तथा पश्चात उक्त पद विज्ञप्ति जारी नहीं किया, जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/25 को आयु अधि आयु के होते हैं उन्हें न्यूनतम प्रावधान
अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त छूट दी होगी। तो क्रम संख्या 4 आयोग द्वारा 2018 के विज्ञापन जारी किया गया था, अतः पद क्रम 4 के लिए अभ्यर्थित दिनांक 1 जनवरी 2025 को आयु के होते हैं। ये नहीं है, अभी तो छूट दी गई है इसमें जो क्या कहते हैं SC ST वालों को होती है, उनको 4 या 5 साल की छूट होती है। अब इसमें क्लियर बताया नहीं है इसमें, लेकिन कम से कम 21 साल और मैक्सिमम इसमें 40 साल रखी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो ये आ गया छूट का। आ गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अच्छे पिछड़ा वर्ग अति वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष जो है उनको 5 वर्ष की है और महिलाओं को 10 वर्ष की है, यानी कि 5 वर्ष की छूट उनको, यानी कि 40 जो अधिकतम 40 वर्ष है वो अपने 45 वर्ष तक कर सकते हैं और महिला जो है 50 साल तक कर सकती है। जनरल वालों की जो है जनरल कैटेगरी में जो है उनको 5 साल छूट दी गई है, वो भी सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला ओनली मेल नो सॉरी फीमेल ओनली महिलाओं के लिए 5 साल दी गई है। विधवाओं के लिए जो विधवा महिलाएं जो परिपक्व हैं जो विकलांग उनको लिए भी अधिकतम छूट नहीं दी गई है। मैंने विधवा महिलाओं को कोई भी छूट नहीं दी गई है, विधवा महिलाओं को कोई छूट दी नहीं गई है इसमें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ हमने आयु की बात कर ली, अब यहाँ करेंगे हम चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया आपकी किस तरह की रहेगी? चयन प्रक्रिया यानी चयन प्रक्रिया की जो सिलेक्शन प्रोसेस है जो किस तरह का रहेगा? अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि आपकी रिटर्न एग्जाम होगा और असफलता होने पर है समीकरण पत्र को बनाएगी। कोई इसमें को कुछ नहीं बताएं, सिर्फ इसमें एग्जाम ही होगा आपका, एक रिटर्न एग्जाम होगा, कोई आपका इसके इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, बस आपका लिखित एग्जाम होगा बस। परीक्षा का स्थान एवं महा परीक्षा का स्थान तिथि संबंध ये तो सूचित किया जाएगा, क्योंकि अभी परीक्षा की डेट एंड डेट एडमिट कार्ड जो है आपकी जारी नहीं हुए हैं। जब आपका एग्जाम होगा करीबन उससे विदिन 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पाठ्यक्रम में योजना की बात करेंगे। यहाँ पर पाठ्यक्रम में योजना पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना की बात करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर बताएं हम आपको उपयुक्त पदों में नियम 22 के अनुसार प्रत्येक परीक्षा के आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा के अनुसार वर्ष रूम में ले जाएगी जिसमें 35 प्रश्न होंगे, यानी कि 35 टाइम ऑब्जेक्ट टाइप आपके प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप इसमें प्रश्न होंगे दोस्तों। हम बात करेंगे यहाँ पर आवेदन की तिथि, जो आवेदन जो आपको कब आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन की जो दिनांक जो है 5 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक रात 12 बजे तक आप कर सकते हो, यानी कि 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। जिन्होंने PG प्लस BSc कराई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले रखी है और प्लस BEd कर रखी है, वही 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया की बात करेंगे। यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर http://rpsc.rajasthan.gov.in दिए गए निर्देशों को विस्तृत विज्ञापन अधिकतम सेवाओं को करते हैं जो एसोसो से। देखो यहाँ जो है एसोसो से आपकी लॉगिन सिटीजन G2C उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल के आधार, एसोसो में लॉगिन करोगे तो रिक्वायरमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर आप कर सकते हो वन टाइम ट्रांजेक्शन। अगर आपने फर्स्ट टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे यानी कि एसोसो में रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर जो आपकी फीस जो है आपकी समथिंग जनरल वालों की 600 रुपये है और SC ST MBC WBC क्या जो भी है उनकी 400 रुपये है दोस्तों। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया जो अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग उनकी 600 रुपये है, आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर है, यहाँ अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर व
जो अभ्यर्थी हैं उनके 400 रुपये हैं, और दिव्यांग जो पी एच है दिव्यांग है उनके भी 400 रुपये, क्योंकि आप एस सी एस टी हो ओबीसी इनकी जो जाति है आपकी 400 रुपये, और जनरल वालों की आपकी 600 रुपये ये फीस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे नोटिफिकेशन में। आप स्कीम ऑफ सिलेबस, ऑफ सिलेबस के बारे में बात करेंगे, आप एग्जाम के बारे में बात करेंगे, तो टोटल एग्जामिनेशन सैलरी कह रही है आपकी 450 रुपये, साढ़े सॉरी चार साढ़े 400 में 450 मार्कों का होगा, थोड़ा तभी डाउन है तो इसमें वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको। और जो कि फर्स्ट फर्स्ट जो पेपर आपका फर्स्ट पेपर होगा 150 नंबर का, और सेकंड जो आपका पेपर होगा 300 नंबर। फर्स्ट पेपर में आपका हो सकता है जनरल अवेयरनेस मिलेगी उसमें, ठीक देखने को, ठीक है दोस्तों। पहला पेपर आपका 150 नंबर का, और सेकंड पेपर आपका 350 नंबर का, इसी तरह से टोटल 450 नंबर होंगे। देखो जनरल स्टडीज यानी जी एस का आपका फर्स्ट पेपर होगा, एग्जाम की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस का आपको फर्स्ट पेपर होगा, और ड्यूरेशन जो है आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका जनरल पेपर होगा पहला पेपर फर्स्ट। इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, आपको मेंटल एबिलिटी मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेगी, जनरल साइंस मिलेगी, और एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन आपको डिटेल मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा ये, इसमें जाकर डायरेक्ट आप लोकेशन उसमें नोटिफिकेशन में जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। पेपर सेकंड की बात करेंगे यहाँ पर, सो सेकंड पेपर जो है आपका 350 नंबरों का, ये आपका 3 घंटे का रहेगा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये आपका 350 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट का आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12वीं तक के आपके सब्जेक्ट आएगी, जो आपके सब्जेक्ट से देना चाह रहे हो हिंदी पॉलिटिकल जिसे आप देना चाह रहे हो उससे, और ग्रेजुएट लेवल की ग्रेजुएशन की आपकी ग्रेजुएशन लेंगे बी ए तक की, जिसने बी ए करी हो बी एस सी करी हो उसको ग्रेजुएशन लेने तक की आएगी इसमें जाना नॉलेज ऑफ, ठीक है सब्जेक्ट, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट की आपकी पोस्ट ग्रेजुएट की भी आएगी इसमें, और आपकी टीचिंग लर्निंग एंड यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग लर्निंग यानी कंप्यूटर में इसमें भी दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे आगे की तरफ और आगे बढ़ेंगे, पेपर फर्स्ट आपका 1.5 घंटे का होगा, ये मैंने आपको बता दिया, पेपर सेकंड आपका 3 घंटे का होगा, ये इसमें नंबर दे देंगे लेवल 1 लेवल से लेवल 50 नंबर 28 नंबर, इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरी लिंक डाल दूंगा, पूरी दूसरी वीडियो जाके देख सकते हो, मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आपको एग्जाम पैटर्न हो गया, एग्जाम पैटर्न बता दिया इसमें, पेपर सेकंड का भी बता दिया, इसमें नेगेटिव को बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो नेगेटिव है 1/3 इसमें नेगेटिव रहती है, तो दोस्तों यानी 3% गलत होने पर आपका 1% और गलत कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1/3 इसमें नेगेटिव रहती है। और बात करेंगे हो गया बता दूँ इसमें जो है आप आवेदन कर सकते हो, जिस इसमें आप आवेदन कर सकते हो जिसने पीजी पीजी के साथ में आपने बीएड आपने कर रखी हो तो आप आवेदन कर सकते हो 5 नवंबर से लेके 5 नवंबर से लेके दोस्तों 5 नवंबर से लेके आप 4 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। जनरल वालों की जो फीस है आपकी 600 रुपये है और बाकी 400 रुपये है, ठीक है दोस्तों। जो एस सी एस टी ओ बी सी क्या कहते हैं छूट मिलती है उनको, लड़कों को 5 साल की है और लड़कियों को जो है 10 साल की, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन की तरफ आ जाए। और हाँ रीट रीट लेवल की जो भर्ती है आपकी 20 जनवरी तक आपको विज्ञप्ति इसकी देखने को मिल जाएगी, रीट की थर्ड ग्रेड की, ठीक है, आपको जनवरी के दूसरे पखवाड़े तक यानी कि 20 जनवरी तक आपको देखने को इसमें मिल जाएगी आपको। और दोस्तों में जो अभी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं आरपीसी जो तैयारी करने चाहेंगे उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर
जो महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, जी राजस्थान जीके के, उनकी हम लाइव क्लासेस चलाते हैं। लाइव क्लास को ज्वाइन करें हमारे को, उनमें आंसर दें। मॉक टेस्ट होता है, प्रॉपर समझाया जाता है उसमें किस तरह से क्या है, कैसे करते हैं हल, सब तरह से समझाता है। और पुरानी हम लाइव क्लास दे सकते हो, और जल्दी ही हम यहाँ पर लाइव क्लासेस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत और जीके, राजस्थान जीके, जो आपके करंट अफेयर्स और प्लस रीजनिंग, यानी कि चार पांच क्लासेस हम सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो आपको जल्दी देखने को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दोस्तों हमारी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल पाए। और हम यहाँ पर एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट तक की पूरी अपडेट करते हैं। इसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।